हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड सैंडविच। आप इसे दो चीज़ों से बना सकते हैं, या तो आप दही से बनाएं या मलाई से बनाएं। और काफ़ी टेस्टी लगता है ये, झटपट बन जाता है। बिल्कुल हम दही का थक्का ही लेंगे, पानी नहीं लेंगे इसमें। हल्का फुल्का अगर पानी चला भी जाता है तो कोई बात नहीं है, जितना बनाना हो उसी क्वांटिटी के हिसाब से आप इसमें ले लेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज कटा हुआ, और इसमें हम टमाटर डालेंगे। इसकी क्वांटिटी हम ज़्यादा रखेंगे। दही को बस हम एक बाइंडिंग करने के लिए, अगर दही का टेस्ट आपको पसंद हो तो दही लीजिए, नहीं तो आप मलाई भी ले सकते हैं। अब इसमें डालते हैं काली मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें काला नमक। आप काला नमक ही इसमें ऐड करें, काला नमक का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है इसमें। इसमें हम थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें इसको जो है चिली सॉस, टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे उसका स्वाद कुछ ज़्यादा नहीं पसंद आता है, इसलिए मुझे जो है नेचुरल चीज़ें ही पसंद आती हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें जो देख रहे हैं थोड़ा सा पानी, इसको रहने देना है, क्योंकि तभी इसमें मॉइस्चर रहेगा अच्छे से। और हम चलते हैं अब इसमें लगाने। अब हम इसके लिए ले लेंगे चार ब्रेड, लेकिन हम दो को पहले स्टफ कर लेते हैं। आप चाहे तो इस पे ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं और रेड चटनी भी लगा सकते हैं। हमको कोई ख़ास पसंद नहीं है उसका टेस्ट, इसलिए हम नहीं लगाएंगे। अब चलते हैं हम इसे सेकने के प्रोसेस में। ये हमारा तवा गर्म हो गया है, तवे पे हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। आप चाहे तो घी और बटर भी डाल सकते हैं। हम खाते नहीं हैं तो हम यूज भी नहीं करते हैं ज़्यादा, अगर बच्चों को खाना रहता है तभी हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसे हम थोड़ा कुरकुरा सेकेंगे, धीमी आंच पे ही हमें सेकना है थोड़ा थोड़ा। गैस की फ्लेम हम हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो ये नीचे से पकड़ लेगा। अब इसे हम चलते हैं पलट देंगे नीचे से, बहुत सावधानी से पलटेंगे। ये देखिए आप कितना क्रिस्प हो गया है। दोनों साइड से हम अच्छे से सेक कर लेंगे ऐसे। आप देख सकते हैं ये नीचे से भी सेक गए हैं। अब इनको हम चलते हैं प्लेटिंग कर लेते हैं। दोनों प्लेट में हम एक एक निकाल लेते हैं। कोई आ गया था फ्रेंड, कॉल वेल बज रहा था। अब इसे हम कट कर लेते हैं। इसके लिए हमें किसी चाकू छुरी की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कट जा रहा है तुरंत। ये देखिए कितना अच्छा इस टुकड़े में कट गया है। आई होप कि हमारी ये सैंडविच की रेसिपी आपको पसंद ज़रूर आएगी, तो आप भी बना के ऐसे ट्राई करिएगा। कभी कभी आप झटपट में कुछ बनाना चाहें, घर पे अगर कुछ नहीं है, आलू भी बॉयल नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आलू उबालें। इसके लिए इतना टेक्निकल प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप फटाफट, आपके घर में दही हो या मलाई हो, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसमें कुछ वेजिटेबल और भी ऐड कर सकते हैं आप, जैसे कि शिमला मिर्च डाल दें, आप चाहे तो खीरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें प्याज टमाटर का ही टेस्ट ज़्यादा पसंद है, तो हम यही डालेंगे।